नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 4 दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़कर आखिरकार खत्म हो गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी बयानबाजी का खूब दौर चला। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग करते रहे, तो वहीं सत्ता पक्ष का आरोप लगा कि विपक्षी सांसद किसी न किसी बहाने से संसद की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। संसद में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने पर दोनों ही सदनों से 143 सांसदों को फिलहाल, अभी और भी ज्यादा सांसदों को आज बर्खास्त किया गया है, तो यह नंबर अपडेट हो गया है। 146 सांसदों को निलंबित किया गया अनिश्चितकाल के लिए। संसद से विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने सदन से सड़क तक जमकर बवाल किया, हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी विपक्ष विहीन सत्ता चाहती है, तो वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने और राहुल गांधी द्वारा उनका वीडियो बनाने के मामले पर भी देश भर में सियासत जारी किया। बीजेपी ने विपक्ष की इस हरकत को निंदनीय बताया, साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर समेत तमाम जगहों पर विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष निचले स्तर की राजनीति कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां यह है कि क्या विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या विपक्ष का यह प्रदर्शन 2024 को देख कर किया गया? क्या उपराष्ट्रपति की नकल उतारना जायज है? साथ ही क्या संसद की कार्यवाही हो हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गई, क्या यह जायज है? क्या जनता के मुद्दों को सदन में चर्चा के लिए दोनों ही तरफ से दोनों ही बड़े पक्ष उठाकर बात नहीं कर सकते थे? कई सवाल जो अधूरे रह गए, आज हम कोशिश करेंगे इंडिया के सवाल में इन तमाम सवालों को उठाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है, इस पर बातचीत करें। तमाम मेहमानों को निमंत्रित करेंगे, आपसे मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आखिरी दिन सदन में हुआ क्या है? सदन के अंदर तमाम बड़े चेहरों ने जो निलंबित हुए वो भी, और साथ ही सत्ता पक्ष के बड़े सांसद बड़े चेहरों ने क्या कुछ किया, लेकिन अपडेट भी आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक कुछ देर पहले तमाम विपक्षी दलों के सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने संसद में सुरक्षा के सेंध मामले को लेकर के गहरी चिंता भी जताई है। ये अपडेट है, ये बड़ी खबर भी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है पूरे सदन में और आज पूरे दिन, और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री वाले मामले में भी किस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया, एक बार जल्दी से आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको मेहमानों से मिलवाएंगे। दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी सांसद किसी न किसी बहाने से संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे हैं। संसद में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने पर दोनों ही सदनों से 143 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। संसद से विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का सदन से सड़क तक हंगामा जारी है। आज सभी विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक जमकर प्रदर्शन किया। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्ष लगातार मांग पर अड़ा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस चूक को लेकर सदन में बयान दें।
लेकिन ऐसा ना होने पर विपक्ष का सदन में जोरदार हंगामा करने पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने एक्शन लिया और करीब 143 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दलों के सांसद शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ चल रहे सांसदों ने अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। ये देश संविधान से चलता है और जस तरह से 140 एमपीओ को निकाला है ये गलत है, मैं इसका निषेध करती हूँ। और ये लग रहा है कि इस देश में इमरजेंसी है। अभी उसका इशू लोकसभा से क्या लेना देना भैया, वो अलग है। हर जो पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उनका मान सम्मान तो हम करेंगे ही, लेकिन हमको उसके पहले निकाला गया था। सदन में लगातार हंगामे के चलते सांसदों को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बार में 14 सांसदों के निलंबन के बाद 18 दिसंबर को एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के रुख में नरमी की जगह तीखापन देखने को मिला। हंगामा बढ़ा और विपक्ष हमलावर रहा तो एक बार फिर कार्यवाही का चाबुक चला। इस बार दोनों सदनों से सीधे 78 सांसदों का निलंबन हुआ। इसमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के सदस्य थे। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। अगले दिन यानी 19 दिसंबर को 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया। ये सभी लोकसभा सदस्य थे। अगले ही दिन यानी 20 दिसंबर को प्ले कार्ड दिखाने और वेल में हंगामा करने पर दो और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इस तरह निलंबित सांसदों की संख्या 143 हो गई। सांसदों के निलंबन के बाद टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल की, जिसका वीडियो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बनाया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सियासत और गर्मा गई। बीजेपी ने विपक्ष की इस हरकत को निंदनीय बताया और आज दिल्ली समेत पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। इस देश में हर सांसद की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने 13 दिसंबर 2001 की, जहां कई जवान शहीद हुए, जहां कई कर्मचारी शहीद हुए, उसी दिन को चुनते हुए 2023 में हमला करते हैं, उनका अगर कोई सहानुभूति रखता है, राहुल गांधी रखते हो या टीएमसी रखती हो या अलायंस रखता है, वो संसद का अपमान भी कर रहे हैं और संसद की सुरक्षा को खतरे में भी डाल रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। जो अभी मार्च चल रहा है तथाकथित इंडी अलायंस के सदस्यों का, घमंडिया अलायंस के सदस्यों का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू, ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल। विपक्ष लगातार संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है और सदन में गृह मंत्री के बयान देने की मांग कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में संसद के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नेहा भदौरिया, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा क्या सदन में क्या कुछ हुआ है, लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे
चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ आज इस मंच पर अजय शेहरावत होंगे, भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय चक्रवर्ती नेता टीएमसी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। वंदना सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ पूरे शो में, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का। पूरे सदन में, पूरे संसद के शीतकालीन सत्र में ऐसा लगा कि कोई मुद्दा नहीं है सदन में जिक्र करने के लिए, बस दोनों तरफ से, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का पूरा शीतकालीन सत्र दिखाई पड़ा और साथ ही उसी की भेंट भी चढ़ गया। आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियों ने भी बहुत टाइम जाया किया है संसद का और साथ ही तमाम देश के लोगों का? यश आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। मेरा माइक तो ओपन है। हेलो जी। हाँ, देखिए पहली बार है जब सत्ता संसद को नहीं चलने दे रही है, जब भाजपा वाले नहीं, विपक्ष आप में लोग भी कम नहीं है। नहीं देखिए, हम नहीं, तो आप लोग भी कम नहीं है इसमें, सिर्फ आप सत्ता सत्ता करेंगे तो आप लोग भी कम नहीं है। अभी आप बोल लीजिए, फिर मैं आपको दूंगी, आपको पूरे डेटा और फैक्ट्स दूंगी, बोलिए। गृह मंत्री जी से यदि हमें स्पष्टीकरण, छोड़िए सिर्फ एक स्टेटमेंट दे के बता, प्रधानमंत्री मिल लिए अभी थोड़ी देर पहले, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? हाँ, पता है नहीं किया बड़ा काम, लेकिन आप लोगों ने संसद को किसके भेंट चढ़ा दिया ये भी तो देखिए, सदन की कार्यवाही किसके भेंट चढ़ गई। मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप ये देखिए कि आज वो 150 सांसदों को निलंबित करने के बाद मिल के बता रहे हैं। हमारा सीधा सा सवाल था कि इतना बड़ा उपद्रव हुआ है संसद में, सुरक्षा में चूक हुई है, गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं बताना चाहते? छोटी छोटी बातों पे तो ट्वीट कर देते हैं, न्यूज में जाके इंटरव्यू दे आते हैं, संसद में मस्ती मजाक करना हो तो सब चुटकुले सुनाने खड़े हो जाते हैं, इतने बड़े मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। और यही मांग जब हमारे सांसद उठाते हैं विपक्षी, तो आप एक के बाद एक निलंबन करते हैं। अरे 50-50 सांसदों को आप ध्वनि मत से एक बार में निलंबित कर देंगे कि ये कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं? इनका खुद का बीजेपी का करियर फिल्मों के पर्दे जला के और पुतले जला के हुआ है कि हमें ये आपत्ति है, ये आपत्ति है, ये आपत्ति है। ये आज संसद में इतने गंभीर मुद्दे पे ऐसी बात कर रहे हैं। 71 से गिर के 17% पे आ गई है स्क्रूटनी बिलों की, ऑर्डिनेंस राज चल रहा है, इनका जब जो मन होता है ये कानून, ये CRPC IPC को बदल देते हैं और इन परिभाषाओं में बदलते हैं कि आगे चल के समझ में नहीं आएगा कि जब आप लोगों को पता था कि आप लोग अगर सदन में नहीं होंगे तो कई सारे ऐसे बिल होंगे जो पास करा लिए जाएंगे, तो आप लोगों का भी फर्ज था कि थोड़ा इंतजार करते, इतना हो हल्ला हंगामा सदन के अंदर नहीं करते। किस तरह नहीं, आप लोग सिर्फ विपक्ष, एक सेकंड, आप कांग्रेस पार्टी है, तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ विपक्षी पार्टी के सांसद नहीं है, देश के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं जो सदन में बैठते हैं। आप लोगों को याद नहीं है शायद, मुझे लगता है आज के डेट में तमाम बीजेपी के, बीजेपी का खेमा एक तरफ, वो उनके सांसद, विपक्षी सांसद एक तरफ, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, ये तमाम सांसद भूल गए, ये पूरा शीतकालीन सत्र इसी में चढ़ गया भेंट। नहीं देखिए, मैं ये पूछता हूं कि आप यदि हमें ये कहते हैं कि हम भाई संसद नहीं चलने दे रहे हैं, तो मुझे बताइए कि इतनी बड़ी घटना के जिम्मेदार सांसद से क्यों नहीं सवाल हुआ? उस घटना से भी तो हमारी संसदीय प्रक्रिया में बाधा आई है, उस सांसद पर कोई क्यों कार्यवाही क्यों नहीं होती? रमेश बिधुड़ी पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती? आप उठा के जिसका जो मन हुआ आपने सांसदों को निलंबित कर दिया, अपनी मर्जी के बिल पास करा लिए। विपक्ष, हम क्या सवाल पूछने के लिए आप हमें बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद आप अपने मन से कुछ तो भी ऑर्डिनेंस की तरह बिल पास करते हैं? हम, आप कैसे विपक्ष पर कोई बात कह सकते? मतलब ठीक है, चलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप अपने बिलों को आपको सदन में पारित करना होता है, पास करना होता है, इसीलिए आप लोग भी बहाने ढूंढते हैं कि सदन के अंदर जो सांसद हैं, जो आपसे सवाल पूछे, जो ये कहे कि भाई संसद में सुरक्षा का मामला कैसे आया, उस पर कोई सवाल पूछे, तो आप 146 सांसदों को बर्खास्त कर देंगे, निकाल देंगे अनिश्चितकाल के लिए, उन्हें सस्पेंड कर देंगे। देखिए, बिल पारित करने के लिए एक अनुमानित संख्या चाहिए होती है और वो संख्या हमारे को देश की जनता ने जीत करके दे रखी है। वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन रिप्रेजेंट करते हैं वो भाजपा के या कांग्रेस के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, सब जनता के बीच से ही आए हुए हैं और हर पार्लियामेंटेरियन का व्यवहार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नज़र आता है। टीवी पर दूरी दुनिया देख रही है किस तरीके का माहौल कांग्रेस बनाती है,
जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है हर बार एक नया मुद्दा आ जाता है, कभी अडानी के मुद्दे पर, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, कभी पेगासस पर, कभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर, इस बार कुछ और नहीं मिला। जब उन्होंने कह दिया भाई ये सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, एक्सेप्ट भी कर लिया है उसके सभापति चेयरमैन है, उन्होंने वहां से 7 लोग का निलंबन भी कर दिया है, उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि ऑलरेडी मैटर सब जुडिस है, एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं, छापेमारी हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो ऐसी क्या आफत आ पड़ी है कि आप उसके अलावा कुछ और सुनेंगे ही नहीं? क्या पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है वो कंडीशनल चलेगा कि कांग्रेस क्या पूछना चाहती है उसके सेंटर को मान करके, लोकस टंडे मान करके तब चलेगा? सदन अपनी प्रक्रिया करेगा, 4 चीजें चल रही हैं, उसके साथ जब आपको पता है इम्पोर्टेंट बिल आ रहे हैं, मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती, जब इम्पोर्टेंट बिल आता है, हमें पुराने दिन भी सदन के याद है, एक सदन में एक सांसद बोलता था, उस बिल के ऊपर बात होती थी, अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट है आप चर्चा करते, हम भी सुनते, लोग बैठ करके टीवी पर पूरा देश बिल की आर्ग्यूमेंट को सुनना चाहता है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लोगों को वेल में कूदना है, कांग्रेस के लोगों को तख्ती लेकर के प्रोटेस्ट करना है पार्लियामेंट पर, कांग्रेस और इनके विपक्ष के लोगों को लोकतंत्र की सीढ़ियों, लोकसभा की सीढ़ियों पर बैठकर के मिमिक्री करनी है, इनके नेता राहुल गांधी वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। संजय चक्रवर्ती, ठीक है, संजय चक्रवर्ती, टीएमसी के किस तरीके से टीएमसी के प्रवक्ता कल्याण बैनर्जी, विरोध करना जरूरी है, विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष विरोध ना करे इसका मतलब मरी हुई विपक्ष के तौर पर विपक्ष पहचानी जाती है, लेकिन विपक्ष की हदें लांघ जाना, कल्याण बैनर्जी बहुत बड़ा उदाहरण बनकर सामने आए, उन्होंने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी है सदन के बाहर सीढ़ियों पर, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे जिसका जिक्र अभी खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, उसको भी लेकर के जिस तरीके से राजनीति की है तमाम विपक्ष के लोगों ने, और कल्याण बैनर्जी में मिमिक्री कर रहे थे और तमाम वहां जो सांसद थे विपक्ष के वो हंस रहे थे, ये सबसे निंदनीय बात है, क्योंकि आप किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं, आप झुककर ये बताते हैं कि देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी भी नहीं हो सकती, और आप ऐसे अंदर ऑर्डर्स देते हैं। नेता टीएमसी के संजय चक्रवर्ती जी, जल्दी से जवाब। कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे थे, ठीक है, पहली चीज मेन का होता है कि सुरक्षा किसके हवाले आती है, देश की सुरक्षा किसके हवाले आती है, गृह मंत्री के अंदर में आती है, कहीं पे भी आतंकी हमला होता है उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, गृह मंत्री उसका स्टेटमेंट देते हैं, और ये जो सुरक्षा जो चूक हुई है ये सबसे बड़ी है, इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक है आज तक का, आजाद भारत में इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती। संसद के अंदर तक जहां पे सांसद बैठे हुए थे वहां तक जो है लोग पहुंच जाते हैं, और ये तो कहिए कि उनके पास केवल धुआं था, वो बम भी हो सकता था, वो कोई खतरनाक केमिकल भी हो सकता था, और सबसे ज्यादा सांसद तो आपके हैं, या तो ये आप बताइए स्क्रिप्टेड है, और या तो फिर बताइए कि ये चूक हुई तो कैसे हुई, वो सब बीजेपी का वो सांसद जिसने वो गेट पास बना के दिया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो नहीं कोई बताएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है, ये कोई कार्रवाई होती है? फिर उसके बाद गृहमंत्री स्टेटमेंट नहीं देते, फिर अगर कोई विपक्ष का सवाल पूछता तो उसका सवाल का जवाब नहीं देते तो उसको निलंबित कर देते हैं। निलंबित में पहली किस्त जब निलंबित होती है उसमें जो है एक सांसद ऐसा था जो उस दिन संसद में नहीं था उसको भी निलंबित कर दिया जाता है। ताज्जुब की बात यह है। अब आते हैं कि जो आपने कल्याण बैनर्जी के बारे में बात किया, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के क्या बात कही थी, रेन कोट में पहन करके जो है नहाते हैं, क्या ये किसी का अपमान नहीं होता? एक सांसद को पूछते हैं जाकर के, यही पूछते हैं ना कि जाकर के ये कहते हैं कि ये जो है सूर्यप्रकाश की तरह हंसी हंसते हैं, इसको हंसने दीजिए, ये अपमान नहीं है। तीसरा जो आता है प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा अपमान क्या जो उन्होंने किया था, मिमिक्री की थी, वो ये था उठो 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 हाई यू, ये मिमिक्री नहीं थी। संसद के अंदर इस तरह की मिमिक्री होती है? एक प्रधानमंत्री से हम उम्मीद कर सकते हैं वो इस तरह के? मैंने तो आजाद भारत में इस तरह की मिमिक्री कभी नहीं देखी किसी प्रधानमंत्री के। तो जब एक प्रधानमंत्री इस तरह की मिमिक्री करते, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय दिखा भी रहे हैं, वो वीडियो दिखा भी रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मिमिक्री इस तरीके से कर सकते हैं? एक पूरे विश्व पार्टी वंदना सिन्हा आम आदमी प्रवक्ता, क्या विपक्षी पार्टी ये मान चुका है कि सदन अब एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां से पार्टियां हाईलाइट हो सकती हैं, क्योंकि 2024 भी है, तो निलंबन
किया गया है, इसीलिए उसे बहाना बनाकर हम 2024 साध लें, इसीलिए जितना हो सकता है हम सब मिलकर सदन की कार्यवाही में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि बाधित करें, भले ही आप लोगों को निकाला जाए, सस्पेंड किया जाए, सदन के बाहर खड़े हो जाएं, लेकिन ये किया जाए, क्या ऐसा है? सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगी कि ये जो निलंबन है, ये जिस तरीके से 143 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये निलंबन तो सिर्फ एक सांसद का निलंबन नहीं है, ये देश की डेमोक्रेसी का निलंबन है। और जो बात ये मिमिक्री की आ रही है, ये मिमिक्री जो विमक्री का मुद्दा जो उठाया गया है, मेन मुद्दे से भटकने के लिए उठाया गया है। तो मिमिक्री क्या है? मैं आपसे मिमिक्री वाली वीडियो गलत है फिर? मेरी कोई करे मुझे बुरा नहीं लगेगा, और वो भी देश के उपराष्ट्रपति, आपकी कोई करे आपको खराब नहीं लगेगा? 2014 से आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जाने कितनी मिमिक्री करी है। दीदी और दीदी, 50,000 की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, न जाने ऐसे कितने रिमार्क्स दिए गए संसद के अंदर, लेकिन आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमेश विधुड़ी जी एक ऐसे रिमार्क्स देते हैं कि मुझे नेशनल टीवी पे बोलते हुए भी शर्म आए। आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि विपक्ष के किसी सांसद ने इसी का प्रयोग किया होता तो वह आज संसद में नहीं, उस पर कार्रवाई हो रही होती, उसको देशद्रोही का दर्जा दिया जाता। लेकिन ये सारे विपक्ष पे ही सारी चीजें क्यों, ये निलंबन विपक्ष का ही क्यों? आज ये जो मेन मुद्दा था, जिस तरीके से आज पूरे पार्लियामेंट का, जो देश का सबसे सुरक्षित जगह है, आज प्रताप सिंह के एक सिग्नेचर की वजह से पूरा पार्लियामेंट जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी बैठे होते, सारे सांसदों की सुरक्षा क्वेश्चन में है, आज उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, वो संसद में बैठे, बाकी 143 विपक्ष की सारे सांसद बाहर बैठे हुए हैं। ये है देश की डेमोक्रेसी की हत्या, ये है देश की लोकतंत्र की हत्या, लेकिन फिर भी क्वेश्चन विपक्ष पे ही। तो फिर आज जिस सत्ता पे बैठे हैं उन पे क्वेश्चन क्यों नहीं, आज रमेश विधुड़ी क्यों बैठे? ठीक है, निरंजन पोद्दार भी जवाब देंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, छोटा सा निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक है, तमाम लोगों ने जो कहा है कितने सहमत आप उनसे, छोटा सा रखिएगा, उसके बाद ब्रेक पर जाना पड़ेगा, समय हो चुका, जल्दी से रखवाएंगे तो फिर ब्रेक क्या, ब्रेक से आने के बाद में ही आप मेरे से ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए मैं जाना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, वापस तमाम हम अपने जितने साथी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र हो हंगामे की भेंट चढ़ा है, दोनों ही पक्ष, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, दोनों ही तरफ से जिस तरीके से इस बार सदन के अंदर हो हंगामा किया गया और पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया, उससे कई सवाल निकल कर सामने आते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, वापस चलेंगे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महोदय निरंजन पोद्दार, जवाब दीजिए, आपके पास लंबा चौड़ा जवाब है, तमाम पॉलिटिकल जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, चाहे वो टीएमसी के हों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन लोगों ने अपने अपने सवाल खड़े किए, अब इन सब में आप खुद बताइए, क्या संसद के समय को ज़ाया करना सही था, क्या हो हंगामा दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों की तरफ से किया जाना क्या सही था? देखिए प्रीति जी, मुझे लगभग आप ये समझ लीजिए 31-32 साल हो गई कि मैं राजनीति को कवर भी कर रहा हूँ, राजनीति को बड़ी नजदीक से देख भी रहा हूँ, और आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम देखा है कि जहां पे विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, विपक्ष विरोध की भूमिका में है, क्योंकि आप ये देखेंगे पिछले 4-5 वर्षों से संयोग है या प्रयोग है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब भी संसद का सत्र चालू होता है, इस चीज को भी आप समझिए कि पूरे एक वर्ष के अंदर 60-65 दिन संसद सदन चलता है, और उसके अंदर जब भी सदन संसद का सत्र चालू होता है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे वो शरदकालीन सत्र हो, चाहे वो स्पेशल सत्र हो, जब भी कोई सत्र चालू होता है तो उससे पहले कोई ना कोई रिपोर्ट कहीं ना कहीं से छपती है, यानी कि चाहे फ्रांस से राफेल की रिपोर्ट छप जाए, किसी पहल का जैसी फैक्ट्री के अंदर, चाहे डंपर की रिपोर्ट छप जाए, चाहे पेगासस की रिपोर्ट छप जाए, चाहे मणिपुर का जो 2 महीने पहले घटी हुई घटना उसका वीडियो बिल्कुल एकदम संसद सत्र से बिल्कुल एंड पहले वो वीडियो रिलीज हो जाए, इसको आप सहयोग कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है संसद का पूरा सत्र बाधित हो जाता है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको इस चीज को भी समझना कि हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, संसद में क्या होता है,
संसद में कार्य होते हैं, संसद में सरकार नीति अपनाती है, संसद में सरकार कानून पास करती है, जो अनावश्यक कानून है उसको संसद में बैठ करके सरकार खत्म करती है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि अगर संसद को बाधित कर दिया जाए या संसद को बंधक बना दिया जाए तो क्या सरकार और देश को पैरालिसिस पे ले जाना चाह रहे हैं क्या हम लोग? अगर इसकी अगर अतीत की बात करूं जी तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब देश के अंदर वर्सिप एक्ट 1991 पारित हो जाता है, यानी कि जिसके अंदर जो हमारे संविधान की वो धारणा है कि न्याय की हर आदमी को न्याय के लिए तोड़ देने का भी समाप्त कर दिया जाता है, तो उस समय क्या होगा? सदन चला था, उस समय कौन था, विपक्ष में कौन था, विपक्ष क्यों ने अपनी आवाज उठाई? मैं बात कर रहा हूँ अडवाणी जी और वाजपेयी जी में हुआ करते थे, उनके मन मुताबिक अगर बिल नहीं है वो विरोध करते, सरकार को खींचते थे, टाइट पकड़ के काम सरकार का काम खींचते थे। लेकिन पूरी की पूरी जनता समझ लीजिए पूरा का पूरा सदन उसको पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के सुनता था, लेकिन वहां पे इस तरीके से नहीं होता था कि उसको बंधक बना लिया जाए। आज की स्थिति ये है, आज सरकार का ये अंतिम सत्र है, इस सत्र को अभी अगर बाधित करने का या इसको भी दूषित करने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो पुलिस कह रहे हैं कि विपक्ष ने पूरे शीतकालीन सत्र को बंधक बना लिया, इसके अंदर मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि आप में चर्चा कीजिए, सरकार को आप कीजिए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए और उस कार्रवाई को चलाने के लिए जैसे जिम्मेदारी है मेरे सरकार की, जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, क्योंकि संसद जनता के देश के विकास के। हमारे साथ यश श्रीवास्तव है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है निरंजन जी, थोड़ा अगर माइक पास ला करके आप बोले जी। मैं हमारी आवाज माइक पास ला करके बोलिए प्लीज। अब मैं थोड़ा सा आपको एक निवेदन और करना चाह रहा था कि आप देखिए, जैसे मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रहा था, देखिए जो चीज दिल्ली विधानसभा के अंदर जो चीज सही है वो केंद्रीय संसद के अंदर वो चीज गलत है, आप ये बताइए दोहरा मापदंड है कि नहीं है। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं कि मिमिक्री की, तो मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी ने कोई गलती की है प्रीति जी, तो क्या उसका दूसरी गलती करके उसको ठीक किया जा सकता है? भाई अगर प्रधानमंत्री जी ने मान लीजिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया है या कोई ऐसी अमर्यादित शब्द किए हैं या असंसदीय शब्द किए हैं, तो क्या इससे राष्ट्रपति जी का अपमान करके, राष्ट्रपति जी की मिमिक्री करके क्या उसको ठीक किया जा सकता है? अरे भाई कम से कम जो चीज गलत है उसकी हम उसकी निंदा तो कर सकते हैं ना। तो कीजिए मोदी जी की निंदा कीजिए, मोदी जी की निंदा करिए, निंदा कीजिए, अरे निंदा कीजिए, निंदा कीजिए, निंदा, अरे निंदा करके दिखाइए। मैं कर रहा हूँ निंदा कि जहाँ जहाँ मोदी जी ने जिन जिन अपशब्दों का या जिन जिन शब्दों का जो अमर्यादित शब्दों का मोदी जी ने किया, मैं उनकी घोर भर्त्सना करता हूँ, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। ये आप निलंबित करवाइए, निलंबित करवाइए। निलंबित करवाने का अधिकार मेरे पास नहीं है श्रीमान, वो नहीं अपील तो कर सकते हैं है? अरे भाई अपील तो कर सकते हैं, देश से माफी मांगे वो, निलंबित हो जाए वो, इस्तीफा दे दे वो, ये तो बोल सकते हैं। निश्चित रूप से उनको उस चीज के लिए देश से माफी मांगना चाहिए। नहीं लेकिन निरंजन पोद्दार ने भी क्या माफी मांगी है? ठीक है अभी आप कह रहे हैं आप पहल कर लीजिए क्या? नहीं प्रीति जी मुझे ये बताइए, निरंजन पोद्दार जी की तरफ से क्या माफी मांगा गया कि नहीं, आपने ये जो मिमिक्री की है उपराष्ट्रपति की ये गलत था, चलिए पहल कर लेते हैं माफी मांग लेते हैं। नहीं आपसे नहीं सवाल है, ये यश श्रीवास्तव से सवाल है, क्या इसकी पहल की गई विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि नहीं ये गलत किया जा रहा है? तमाम सांसद वहां खड़े थे और हंस रहे थे, इसके ये वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा, मैंने देखा है, सबने देखा, आपने भी जरूर देखा होगा। आपको नहीं लग रहा था कि ये जो हंस रहे लोग खड़े होके, कम से कम ये सदन में नहीं होना चाहिए था, सदन के गेट पे नहीं होना चाहिए था, आप अपने घर में नहीं बैठे थे? प्रीति जी मैं आपको वही कह रहा हूँ, बोलिए। सबसे पहली बात इस मिमिक्री के वीडियो की जो है, तो भाजपा वाले बिल्कुल सिर के बल रो रहे हैं खड़े होके कि राहुल गांधी जी ने वीडियो बनाया,
हम ये बात भूल जाते हैं कि ये वीडियो सबसे पहले नहीं, नहीं वो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, निरंजन पोद्दार टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडर हैं, उनका कद निरंजन पोद्दार के कद से बहुत बड़ा है, क्या आप उनको उनके कद के हिसाब से मानते हैं? तो देश या फिर जो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वीडियो बनाया और ये गलत था, ये दर्शाता है कि राहुल गांधी रोक सकते थे, मना कर सकते थे कि ये मत कीजिए, विरोध कीजिए, ठीक है, आप एक्टिंग मिमिक्री मत कीजिए किसी की। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, मैं मीडिया पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कम से कम राहुल जी ने तो वो वीडियो पोस्ट नहीं किया, वो दूर कहीं खड़े हुए हैं सांसद, उनका वीडियो जूम कर करके किसी ने मीडिया पे ही पहुंचाया है, अब वो वहां से जहां भी गया। दूसरी बात जो राहुल जी ने भी कही कि देखिए आपके पास दिखाने के लिए इस समय कितनी बड़ी बड़ी खबरें हैं, मणिपुर में सामूहिक बरियल हो रहा है, सामूहिक दफना रहे हैं लोगों को, अभी भी वहां शांति पूरी तरह बहाल नहीं है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी घटना हुई है संसद में ही, जो ये लोग आए हैं, कौन है, क्या है, क्यों आए हैं, सुरक्षा में बात बताइए, पहले 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 इंक्वायरी ऑफिसर या जो एजेंसियां अपना काम करे वो करके आपको एक रिपोर्ट सौंपे सदन में, या फिर एक सेकंड पहले खड़े होके आपको जवाब ही दे दे कि भैया ये कौन लोग थे, क्या थे, क्यों आए, किसे मारना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, मतलब इतना तो आपको भी राजनीतिक समझ होगा। नहीं नहीं, देखिए एजेंसियों के पास तो कई काम बहुत दिनों से हैं, जिन मुद्दों के दम पे इन्होंने राजस्थान में अपना चुनावी मुद्दा खड़ा किया था वो भी एनआईए के पास है फाइल, आज तक वो क्लियर नहीं हुई, पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन आज तक पेंडिंग है, दविंदर सिंह कहाँ है पता नहीं है, तो किस किस एजेंसी की किस की बात कर रहे हैं आप? हम तो कह रहे हैं ना कि जो गृह मंत्री जी संसद में खड़े होकर जान दे देंगे चिल्ला रहे थे, वो आके बयान दे दें संसद के अंदर, मीडिया में दे सकते हैं तो संसद में भी दीजिए ना, आप अपनी मर्जी से संसद का मखौल उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों से, विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की, उस पर कुछ कहेंगे यश श्रीवास्तव? थोड़ी देर पहले अपडेट है आपके पास, किसने मुलाकात की विपक्ष के सांसदों से? प्रधानमंत्री ने, बड़ा एहसान कर दिया, एक साल 700 किसान मरने के बाद किसानों से तो मिले नहीं, सांसदों से मिल लिए, बहुत मेहरबानी। अरे तो आप ही लोग तो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री मिले या फिर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोले, अब मिल लिए तो उस पर एहसान कर दिया, क्या बोल रहे हैं आप? तो बोल भी देना। अरे मिलने के लिए तो आप लोग अपनी बात रखेंगे ना, ये जो हो हंगामा पूरे सत्र में आप लोगों ने किया मिलने के लिए ही था ना। देखिए हंगामा तो रमेश भिदुड़ी ने भी किया था प्रीति जी, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आता, जब आपको आप एक पक्ष पे सवाल खड़े करते हैं उसका कहीं आपको जवाब मिलता नजर आता है, तुरंत दूसरे पे स्विच कर जाते हैं। प्रधानमंत्री अभी मिल रहे सांसदों से मिले हैं, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर आप रमेश भुदिड़ो पे आ गए, फिर आप मणिपुर पे चले जाइएगा, फिर आप तीसरे पे चले जाइएगा। अगर आपके लिए, सुनिए, संसद में चूक का मामला इतना बड़ा विषय अगर है विपक्षी पार्टियों के लिए, तो आपको रुक कर उस पर दो मिनट सोचकर बोलना पड़ेगा यश श्रीवास्तव। देखिए सिर्फ आप हवा में दिखाएंगे कि हमारे पास बहुत बड़ा मुद्दा है और हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर गृह मंत्री सदन में नहीं बोल रहे हैं, और जब बारी आएगी कि प्रधानमंत्री मिल लिए इस पर क्या कहेंगे, आप स्विच कर जाएंगे, ये नहीं चलेगा। नहीं देखिए प्रीति जी, आप ही ने बताया कि भाई उनकी बॉडी शेमिंग कर दी धनखड़ जी की, तो मुझे मणिपुर भी याद आ गया, बहुत सारी महिलाओं की कई तरह की शेमिंग हुई है, उस पे संसद में कोई बातचीत नहीं हुई है, जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से सवाल किया गया तो वो हंस रहे थे अपने भाषण में, विपक्ष से कह रहे थे हंस लीजिए थोड़ा, क्या उस समय किसी को नहीं लगा कि ये संसदीय प्रक्रिया और इस देश के संविधान और हमारे तमाम सारी सिस्टम का मखौल है ये? जब हमने पूछा कि अडानी पर आप जेपीसी क्यों नहीं बैठा रहे, उस अडानी पर जिस पर कई बार आप हमसे जुड़े होने का आरोप लगा देते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? तब भी आप संसदों के माइक बंद कर देते हैं। हम सवाल करते हैं कि भाई रमेश भिदुड़ी गाली क्यों बक रहा है, तो आप हमें बाहर निकाल देते हैं। मुद्दे पे बात कीजिए, आज संसद में शीतकालीन सत्र पूरा का पूरा हो हंगामे के भेद चढ़ गया, इस पर आप कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं आगे बढ़ती हूँ, वंदना सिन्हा हमारे साथ, नहीं नहीं और भी लोग हैं जो बोलना चाहेंगे इस मसले पर, आप आपके पास जवाब नहीं है, आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूं तो तीसरे के लिए आप चले जाते हैं, चौथे पे चले जाते हैं, आप जिस मुद्दे पर यहाँ आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। अजय शेहरावत भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद वंदना सिन्हा बोलेंगी, उसके बाद संजय चक्रवर्ती, जल्दी से बोलिए शेहरावत जी। प्रीति जी क्या है, जो भी प्रवक्ता आता है या जो भी नेता होता है वो अपने लीडर से सीख करके ही आता है। जिस तरह का कैजुअल बिहेवियर राहुल गांधी पार्लियामेंट में दिखाते हैं, जिस तरह का कैजुअल बिहेवियर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं या पॉलिटिकल फ्रंट पर दिखाते हैं, वही उनके नेताओं में नजर आता है। किसी टॉपिक को लेकर ना तो सीरियसनेस है,
ना सदन की प्रक्रिया को लेकर सीरियसनेस है, ना किसी एक इशू को लेकर सीरियसनेस है। अभी तीन स्टेट्स के चार स्टेट के चुनाव थे, उससे पहले सारा दिन कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस चलाते थे, इनका दिन निकल जाता था। लेकिन अब आप देखिएगा अगले चुनाव से पहले यश भाई, मैंने आपके बारे में एक शब्द नहीं बोला, आपने उल्टा पुल्टा शुरू ही मेरे बारे में बात करके किया है। आपने शुरू ही मेरे बारे में बात करना चाहता हूँ आप नहीं, मैं भी कह सकता हूँ कि आप एक महाजुमलेबाज हैं। मैं उल्टी पुल्टी बात नहीं कहना चाहता कोई, मैं आप जब चुप करेंगे तो मैं बात रखूंगा। हाँ तो अगर आपके लिए सिक्योरिटी सिक्योरिटी का मुद्दा, आप देखिए सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत बड़ा था। चलिए जब एजेंसी की जाँच शुरू होगी, सबको पता है एजेंसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिस दिन एजेंसी की रिपोर्ट आ जाएगी गृह मंत्री उस बात को रख देंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इन्हें क्या सुनना है, मुद्दा ये है इन्हें किस बात पर सदन की प्रक्रिया को रोकना है। इनको भी पता है अच्छे से कि आज इम्पोर्टेंट बिल पास होंगे, और रही श्रेणी नंबरों की, ऐसा नहीं है कि इनके नंबरों के बिना बिल नहीं पास हो सकता, बिल तो पास हो ही सकता है। संजय राउत, लेकिन संजय राउत लगा रहे आरोप, संजय राउत कह रहे हैं कि अब मनमाने तरीके से आप तमाम जितने भी विधेयक उनको पास किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए नंबर तो, अगर ये सदन के अंदर बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी विधेयक पास नहीं होगा, तब भी इनके पास नंबर नहीं है, ये ऑलरेडी आउट नंबर्ड है, जनता ने इनको नंबर नहीं दिए, तो ये कैसे कानून बनाएंगे? कानून वो पार्टी बनाएगी, वो सरकार बनाएगी जिसके पास नंबर होगा, तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये सदन के अंदर बैठ करके उस चर्चा का हिस्सा बन सकते थे, ताकि वो चर्चा देश के लोगों तक पहुंचती, कौन सा बिल है, क्या डिटेलिंग है। लेकिन इनका मकसद है किसी भी तरीके से, अब आप देखिए प्रोटेस्ट में आपको तख्तियां लिख करके सदन में घूमना क्या शोभा देता है? क्या वेल के बाहर खड़े हो सदन में तो गालियां रखना शोभा देता है? जो बोला आप मुझे सांसद अगर बैठ करके साधारण तरीके से अपनी बात रखेगा तो क्या वो निलंबन कर दिया जाएगा? वो निलंबन नहीं हो रहा है, निलंबन ही उदंडता पर हो रहा है। निलंबन इसलिए हो रहा है कि बाधित करा जा रहा है, ना बोलने दिया जाता है, अपने मन मुद्दे का इशू चाहिए, अपना टॉपिक चाहिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए, और कांग्रेस और विपक्ष को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट से वो कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा करना चाहते हैं, जिसको वो जनता तक ले जाते फेल हो जाते हैं। अभी चार स्टेट के चुनाव के रिजल्ट आए, जनता ने इनको इनकी शक्ल भी दिखा दी है, और जनता ने इनको इनका लेवल भी दिखा दिया है। और जो आज ये पार्लियामेंट में कर रहे हैं, गारंटी से कह रहा हूं पूरे विपक्ष को, 2024 में भी जनता इनको इनका आईना बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाएगी। ये जितनी उदंडता करें कर लें, जितना इनको उपराष्ट्रपति जी का उपहास करना है कर ले, लेकिन जब इसका जवाब जनता देगी तब ही इनको वोटों के रूप में समझ में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले विपक्ष के तमाम सांसदों से मिले हैं, इस पर कुछ कहें आप। क्या चीज़? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के तमाम सांसदों से, वंदना आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है, टीएमसी के सांसद हमारे साथ, पोद्दार साहब, संजय पोद्दार, माफ कीजिएगा, संजय चक्रवर्ती जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के तमाम सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है, इस पर कुछ कहेंगे आप? मिल लिए ना? ये भी हेडलाइन है ना? हाँ, लेकिन ये बोलना क्या एहसान कर दिया क्या? एहसान कर दिया क्या? अरे मैडम बोलते सुन तो लीजिए, फिर सांसद सदस्य को बर्खास्त करने की जरूरत ही क्या थी? अगर उनको मिलना ही था तो सांसद चलने देते, न बर्खास्त करते, सांसद में आकर के मिलते। फिर सांसद इतना बड़ा जो है 20,000 करोड़ का जो है एक सेंट्रल विषय संसद बनाने की जरूरत क्या थी? तो उनको बाहर ही मिलना था, घर आके मिल लेते किसी के साथ, ये कोई बात नहीं होती है। संसद में आकर के अगर कोई स्पष्टीकरण मांगता, मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, पिछले आप 10 साल का इतिहास उठा कर दे दीजिए, जहां पे बीजेपी का कोई भी काम दोषी हुआ होगा उसका आज तक कोई रिपोर्ट आया नहीं। मैं 2016 का जो कानपुर में रेल दुर्घटना हुई थी वहां से आप देखिएगा, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं पेश हुई। पुलवामा का कोई रिपोर्ट नहीं पेश हुआ, इमेज भिधुड़ी का कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुआ, ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम कैसे मान लें कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी? क्या विपक्ष के पास इतना पेशेंस नहीं है कि अगर आप संसद में चुक, एक सेकंड सर मुझे सवाल पूछने, क्या संसद में चूक के, संसद में सुरक्षा के चूक के मामले पर अगर विपक्षी पार्टी एकजुट हो रहा है, जो कि होना चाहिए, ये जायज है और ये अधिकार है उनका कि भाई हमारी जान की सुरक्षा कौन करेगा, ये जायज है, ये मांग करनी चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मिले हैं उनसे, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा संयम बरत के, क्योंकि एजेंसियां पूछताछ कर रही थी, ये बहुत बड़ा मामला था, वहां पर आपने कहा बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा सांसद बैठे, उनके जान की भी बनी थी, थोड़ा संयम रख लेते, 2-4 दिन प्रधानमंत्री मिल ही चुके हैं, कम से कम ये पूरे दिन सदन तो चल जाता सर,
आपके भी आपके और मेरे दिए हुए टैक्स के पैसे से सदन चलता है सर। अरे मैडम आप भी किसके टैक्स टैक्स से चलता है ये सबको पता है कि विदेशी कालाधन नहीं आता उससे नहीं चलता है। पहली बार मैं फिर वही बोलता हूँ कि आदमी देखता है पूत के पाप पालने में नजर आते हैं। अगर आज तक किसी भी कार्रवाई आज तक किसी में हो गया होता अगर रमेश विधुड़ेकर जैसे कि मऊआ मोहित्रा में कार्रवाई संसद में सुरक्षा के मामले पर बात करिए। मेरी बात हाँ फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे मैं वही कह रहा हूँ पुलवामा का जो कांड हुआ था क्या वो छोटा कांड था वो बहुत बड़ा कांड था। आज तक क्या उसकी कोई रिपोर्ट आई? 5 साल हो गए अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई तो हम फिर कैसे मान लें कि इसके बारे में कोई रिपोर्ट आई? पहली चीज तो यही हुई कि जिस सांसद ने गेट पास दिया था उसका निलंबन नहीं हुआ। शुरुआत तो वहीं से हो गई थी पता तो यहीं से चल गया था इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी लिपापोती होगी। पहला सबसे पहला शख्स ये होना चाहिए था उस सांसद को पहले बर्खास्त कर देना चाहिए था उसके पे एथिक्स कमेटी में जानी चाहिए थी लेकिन वो सब कुछ नहीं किया गया। पहली चीज वहीं पे न्यू तो वहीं रह गई थी कि आपने न्यू वहां पे रख दिया था कि आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई आपने विपक्षी सांसदों पे कर दी कार्रवाई आपने उस सांसद पे भी कर दी जो उस दिन सदन में नहीं था। पहला जब पहली खेप में सांसद जो तो उसमें डीएमके का सांसद था वो उस दिन सदन में नहीं था उसके ऊपर भी कार्रवाई कर। इसका मतलब पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था पहले से उनको दे दिया गया था लोकसभा स्पीकर को कि इनको आपको बर्खास्त करना है और वो कर दिया गया। तो पहला ही जो है जो किया गया था वही गलत था। फर्स्ट पहली चीज जब अगला जिसने गेट पास बनाया था पहले उसको बर्खास्त कर दिए होते तो हम लोग समझते ठीक है। निरंजन पोद्दार से सवाल का जवाब ले लेते जो आपने हम लोग इंतजार कर लेते आपके सवाल का जवाब। पहले एक कार्रवाई तो करी ली इन्होंने अब आगे हो सकता है रिपोर्ट भी आ जाए लेकिन वहीं पे जब वहां पे उनको छुपाने का कोशिश किया उनको दबाने की कोशिश किया समझ में आएगा अब रिपोर्ट नहीं आने वाली है केवल ये जांच चलेगी जो कि आज तक 10 साल से जांच ही चल रही है। निरंजन पोद्दार जिस सांसद के नाम पर वो दो लड़के अंदर आए थे ना तो उन्हें बर्खास्त किया गया ना ही उनसे कोई सवाल जवाब किया गया जैसा कि टीएमसी के नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उल्टा जब हम लोगों ने सवाल किया तो उन्हें मौका मिला और तमाम सांसदों को आपने संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया और 146 लोगों को आपने बाहर किया है और ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जनता के प्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं। देखिए प्रीति जी निश्चित रूप से एक चीज जो है वो बिल्कुल सत्य है और वो सत्य ये है कि जिस तरीके से संसद के ऊपर एक आप ये समझ लीजिए घटना घटती है और वहां पे परमात्मा का आशीर्वाद है कि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ यानी कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई लेकिन वास्तव में ये हमारे देश के लिए ये पूरे विश्व के अंदर जब हम कह रहे हैं कि हम विश्व की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं तो ऐसी स्थिति में हम विश्व के लिए हंसी के पात्र बने निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मेरा केवल इतना सा ही निवेदन है कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे जो हम टीवी आपके टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं मुझे नहीं पता इन लोगों को इनमें से कितने लोगों को संसद की प्रक्रिया का कितना ज्ञान है लेकिन जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं जो माननीय सांसद बनकर के वहां जनता ने जिनको भेजा है उनको तो पूरा ज्ञान होगा और उनको तो सारी चीज की जानकारी होगी। मेरा ये चीज समझ में नहीं आई कि वो जाकर के हिट विकेट क्यों होते हैं यानी कि यही सवाल जब संसद में पूछते हैं तो संसद के अंदर संसद की कार्रवाई को कम से कम दुनिया के मेरे हिसाब से 50-60 करोड़ लोग उसको देखते हैं और संसद को जिस तरीके से बाधित करने के बजाय वहां पे इसी तरीके से सरकार को पकड़ करके कान की तरह सरकार का काम खींचे क्योंकि वहां पे प्रश्नकाल भी होता है वहां पे सुनने का इसका जवाब यश देंगे लेकिन वंदना सिन्हा भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। जल्दी से एक सेकंड वंदना जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसद जितने भी विपक्ष के थे जिन्हें निलंबित किया गया जो निलंबित नहीं हुए सबसे मुलाकात की है इस पर क्या कहेंगे? क्या मुलाकात करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता? मैं अभी अजय शेरावत जी को सुन रही थी वो कह रहे थे लोग अपने शीर्ष नेता से ही सीख कर आते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद जो विधुड़ी जी के रिमार्क्स हैं या फिर जिस तरीके के रिमार्क्स ये लोग पेश करते हैं संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो भी अपने शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी से ही सीख कर आते होंगे क्योंकि इस तरीके के रिमार्क्स एक्सेप्टेबल नहीं है। और रहा सवाल नरेंद्र सिंह मोदी जी के सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री से मिलने का उसे समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है संसद में वो एक बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई वो आज भी संसद पे बैठे हुए हैं लेकिन यही सिक्योरिटी ब्रीच जिसकी किसी विपक्ष की वजह से होता तो आज संसद के बाहर होता उस पर सिर्फ कार्रवाई नहीं चल रही होती जेल के अंदर होता क्योंकि यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है या वो निलंबित करेगी या वो रद्द करेगी। और जब भी कोई बिल पास करने का समय आता है
आप पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वो या तो चर्चा करने के विषय में किसी ने मांग करी तो वह निलंबित है, या फिर हो जाए तो उसकी सदस्यता रद्द होती है। तो ये यदि सिर्फ मिल लेना प्रधानमंत्री का काफी नहीं है, या फिर उसके अमित शाह का रिमार्क्स काफी नहीं होगा, पहले तो ये जवाब दें कि जिस प्रति सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और जिस सांसद की वजह से हुआ है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद इतने सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स के बाद भी जिनकी सदस्यता चल रही है उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है, ये जवाब दें हमें हमारे प्रधानमंत्री जी। तो हम कहेंगे हमने मिल लिया, मिल के सिर्फ एक टिका टिप्पणी कर देना ही काफी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें ठीक है। अजय शहरावत से जवाब लेंगे इसका, जल्दी से रिएक्शन, समय कम है हमारे पास, फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, जल्दी से अजय शहरावत जी। देखिए मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर पार्लियामेंटरी की प्रक्रिया को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी निलंबन हो सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर संजय चक्रवर्ती भी सही कह रहे हैं अपनी जगह पे, वो सही कह रहे हैं कि अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमें आपने संसद के बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जिस सांसद के नाम पर पास इश्यू हुआ था, क्या उसे आपने सांसद से, क्या आपने उनकी सांसदी ली, क्या उसे सदन का बाहर का रास्ता दिखाया? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैंने फिर पहले ही कह दिया कि भैया हम खुद कह रहे हैं ये चूक हुई, हम खुद कह रहे हैं, हमें खुद एड्रेस करना है, वहां पर आपके ही नहीं हमारे भी सांसद बैठे हैं, सबकी सिक्योरिटी का मामला है, लोकसभा का मामला है। प्रताप सिम्हा के पास पर वो लोग आए, मेरे ख्याल से साथी प्रवक्ता को भी मालूम होगा कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग, स्कूल के बच्चे भी पासिस पर गैलरी तक जाते हैं, उसके बाद बैठ करके सभा देखते हैं और कोशिश करता है, हर सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग को भेजता है, अगर उसमें कोई करप्ट कहां से आया है इसी की जांच तो जांच एजेंसी करेगी ना। ये चाहते हैं पहले दिन जस्टिस करना, सीधे न्याय दे दो, न्याय भी मत दो, जो ये चाहते हैं वो कर दो भाई, पहले दिन बिना जांच रिपोर्ट के, बिना एजेंसी की रिपोर्ट के बस फैसला दे दो, जो ये सोचते हैं विपक्ष वाले, अगर वो हो जाए तो ठीक, अगर नहीं होगा तो हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, अगर ये हो जाए तो ठीक नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे जी। आप मुझे बताइए 140 करोड़ का देश है, जितने बिल आ रहे हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, आप एक मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी शर्तों पर सदन चलाना चाहता है, ठीक है यश श्रीवास्तव, हाँ, क्या विपक्ष अपनी शर्तों पर सदन चलाना चाहता है, जल्दी से आप उसके पास संजय जी, जल्दी से यश प्रीति जी, छोटा रखिएगा जवाब, छोटा रखिएगा, कौन, हाँ कौन अपनी शर्तों पर लेके अड़ा हुआ है, जो मरते किसानों के पास नहीं गया, जो पुलवामा के बाद फौजियों के पास नहीं गया, अरे अजय शेरावत जी को बता दीजिए, पुलवामा, कश्मीर, चांदनी चौक, कोई चिंता नहीं है, मिजोरम, मणिपुर, हम इस देश को अब ये बता रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार कितनी निरंकुश है कि प्रवक्ता खुलेआम कह रहे हैं कि भाई आपके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई साहब ऐसा है शेरावत जी, हम अपनी सांसद में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं बैठे हैं, सिर्फ हम इस देश को सच दिखाने के लिए उस वहां पे धरना देके बैठे हैं, और अब सच दिखेगा। ये जो तानाशाही आपके सिर पे चढ़ के बोल रहे हैं, इसका जवाब जनता दे और हम भी देंगे और रोज दे रहे हैं, दिमाग में डाल, और आप जल्दी से छोटा छोटा संजय चक्रवर्ती जी, अपनी शर्तों पर तमाम विपक्षी सांसद सदन को चलाना चाहते हैं, जल्दी से छोटा रिएक्शन प्लीज संजय चक्रवर्ती जी। कितने मासूम तरीके से बोल दिया कि वहां पे बच्चों को भेजते, तो बच्चे थे क्या, जांच नहीं होती क्या, संसद सदस्य को चिड़ियाघर तक है, वहां पे चिड़ियाघर में भेज दिया, जाके बैठते ये लो टिकट लो, जाके देख लो जाकर के, वहां पे देखो वहां पे बंदर है, वहां पे ये है, अरे कैसे मासूमियत के साथ बात करते हैं सर। आपको पता है कि संसद सदस्य वहां पे बैठते हैं, वहां पे देश भर के कम से कम चुने हुए संसद सदस्य आते हैं, और वो सबसे सुरक्षित जगह है, आपने किसी भी अरे गरे नत्थु खेरे को आपने गेट पर बना के दे दिया, तो वो आतंकवादी भी तो हो सकते थे, तो फिर क्या करते, वो हमसे चूक हो गई, हम भूल हो गए, हमने जांच नहीं किया, कैसे किस तरीके से। अभी मैं पहले भी डिबेट कर रहा था, वो कह रहे थे वो हमारे वोटर था, वोटर उससे कहा कि हमको पास दे दीजिए तो हम चले गए। कितने मासूम बनते हैं सर, मासूमियत के साथ सवाल मत के, पहले सबसे पहला काम ये कि अगर आप लोग तानाशाह नहीं बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सांसद को पहले निलंबित कर देते, उसके बाद देखते कि हम लोग अपनी शर्तों पर नहीं नहीं फिर आपने कौन सी जांच, महुआ मोहित्र में कौन सी जांच की थी, महुआ मोहित्र में कौन सी जांच की थी, महुआ मोहित्र में कौन सी जांच की थी, हम लोगों ने किस तरीके से जांच की, महुआ मोहित्र में कौन सी जांच हुई आपके, महुआ मोहित्र में कौन सी जांच हुई, कितनी जांच हुई, महुआ मोहित्र में कौन सी जांच हुई, कौन सी जांच हुई। समय बहुत कम है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन हो हंगामे की भेंट, पूरा सत्र चढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले तमाम विपक्ष के सांसद जो निलंबित हैं उनसे भी, जो नहीं है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, और उन्होंने घोर निंदा जताई है सदन में
सुरक्षा में, सदन की सुरक्षा में चूक के मामले पर। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल अब नए समय पर।